रुद्रपुर नगर निगम के द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ उधम सिंह नगर जनपद के डीएम उदयराज सिंह और रुद्रपुर विधायक शिव अरेरा ने किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा रुद्रपुर के गांधी पार्क से शुरू होकर बाटा चौक, भगत सिंह चौक होती हुई गल्ला मंडी पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। नगर निगम के द्वारा आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में पहुंचे सभी क्षेत्रवासी का डीएम ने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आज उधम सिंह नगर में विभिन्न कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा भी है, हर घर तिरंगा भी है। हम लोगों ने इससे एक पेड़ माँ के नाम भी जोड़ा है और स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। उसी कड़ी में आज रुद्रपुर शहर में एक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है। उसके पहले एक यहाँ पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है गांधी मैदान के इस पार्क में, साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज की एक शपथ भी सारे बच्चों को, यहाँ पर जनता जनप्रतिनिधि यहाँ के लोग थे, माननीय विधायक जी थे, पूर्व मेयर थे, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि थे और जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी थे। इससे एक मैसेज देने का प्रयास है कि स्वतंत्रता को हमें बनाए रखने के लिए एक साथ रहना है, मजबूती से रहना है और अपने शहीदों का जो बलिदान है उसे याद रखना है और उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि भी इसी माध्यम से हम लोगों ने दिया है। इस कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित और भव्य ढंग से मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, उसी कड़ी में ये आज का कार्यक्रम। देखिए, देश की आज़ादी का पर्व है, स्वतंत्रता का पर्व है। देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा। और यह तिरंगा हमारे उन क्रांतिकारियों के बलिदानों को याद कराता है जो लाखों लाख क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने सीने पे गोलियां खाई, फांसी के फंदों पर झूल गए भारत माता की आज़ादी के लिए। तो उनके स्मरण करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यह गौरव का प्रतीक तिरंगा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तिरंगे को लेकर इस प्रकार का एक आह्वान किया है और देश के 140 करोड़ लोग, चाहे युवा है, महिला है, व्यापारी है, किसान है, सब लोग तिरंगे को लेकर एक मान सम्मान गौरव के लेकर हर जगह इस प्रकार के हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा और तिरंगे की यात्राएं की जा रही हैं। आज रुद्रपुर में गांधी पार्क से ये तिरंगा यात्रा आरंभ हुई है जो गल्ला मंडल तक जाएगी। बहुत भव्य वातावरण है, सब में देशभक्ति का भाव है और उन क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि और इस आज़ादी को अक्षुण रखना, इस संकल्प के साथ हमारा देश आगे बढ़ा।